सत्ता के लालच के कारण भारतीय समाज में जानबूझकर जातियों और धर्मों में द्वेष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर काम कर रही है। यह आरोप पूर्व विधायक एवं पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने पत्र परिषद में लगाया। उन्होंने कहा कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की पूर्व संध्या पर पीपीपा का राष्ट्रीय अधिवेशन व भीम सैनिकों का 42वां राष्ट्रीय सम्मेलन 4 अक्टूबर को होगा। धंतोली के राहटी कॉलोनी चौक स्थित लक्ष्मी मंगल कार्यालय में शाम 5 बजे अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल राव आटोटे के हाथ उद्घाटन होगा। अधिवेशन में देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। 3 अक्टूबर को कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी की भविष्य की नीति, चुनाव, बेरोजगारी, किसान और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। राजकीय धोरण येऊ घातलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, मग ते महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायती, या संदर्भातली पक्षाची निवडणुकीची रणनीती कोर कमिटीवर ठरवली जाणार आहे। रिपब्लिकन पक्षाच्या एकत्रीकरणाचा सातत्याने आमचा प्रयत्न आहे। त्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावतीमध्ये सर्व रिपब्लिकन घटकांना एकत्र घेऊन आम्ही एक प्रयोग केलेला आहे, संयुक्त रिपब्लिकन आघाडी। या व्यतिरिक्त रिपब्लिकन परिवारा अंतर्गत रिपब्लिकन घटकांचं संगणन, ज्याला मी कन्सॉलिडेशन म्हणतो, हे कन्सॉलिडेशन करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न आहे। त्याची देखील चर्चा या कोर कमिटीच्या मीटिंगमध्ये होणार। कशा पद्धतीने काय करायचं, त्यासाठी काय करावं लागेल, याचा विचार करणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।